गाइस प्लीज सब्सक्राइब आईएएस विद कोजांग सर एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजांग, डायरेक्टर ओजांग आईएएस एकेडमी। योजना मार्च 2019 रिलीज हो चुकी है और आपको पहले भी मैंने बताया था कि योजना और कुरुक्षेत्र वो मैगजीन है जो आपकी सफलता में एक बहुत महत्वपूर्ण आधार दे सकती हैं। मेंस के लिए, एसे राइटिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए, यहाँ से जो आपको तथ्य मिलते हैं, जो आपको यहाँ पर धारणाएं मिलती हैं, बहुत ज़बरदस्त होती हैं। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले हमने एक विशेष होली ऑफर निकाला है जिसमें ऑनलाइन कोर्सेज में ज़बरदस्त छूट दी जा रही है। दिए गए नंबर पर कॉल करके आप इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं या फॉर्म भरकर जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन हमें दे सकते हैं ताकि हमारे काउंसलर आपको सही जानकारी दे सके। इस बार की जो योजना है उसका नाम है विकास डेवलपमेंट। मैं आपसे पहले बात करूंगा कि इसमें कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने चाहिए और दूसरी मैं बात करूंगा इसमें जो पढ़ने का नजरिया है वो क्या होना चाहिए, चैप्टर्स का संयोजन कैसे करना है ताकि हम एक कंप्रिहेंसिव अप्रोच डेवलप कर सकें। मैंने बोर्ड पर उन टॉपिक्स के नाम लिख दिए हैं जिसमें आप उस मैगजीन से केवल इतने ही टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो आपका काम जो है वो काफ़ी हद तक पूरा हो जाएगा। जैसे सबसे पहले इसकी संपादकीय बहुत अच्छी दी हुई है। जब हम डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ से एक आगे की धारणा होती है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ प्लस सोशल इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट, उनका विकास, यानी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके महत्व की संस्थाएं हैं, उनका विकास। और इसका संबंध होता है वितरण से, यानी कोई भी राष्ट्र और वहां का जो संसाधन वो जितना भी इकट्ठा करता है वो अंतिम बिंदु तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अवसंरचनाएं हो या किसी भी सुविधा तक किसी भी नागरिक की पहुँच हो। वो न जाति के जाल में फंसे, न धर्म के जाल में फंसे, न लैंगिक विभाजन के जाल में फंसे। तो जब हम विकास शब्द बात करते हैं तो एक यूपीएससी का स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ सकता है विकास किसका, और अगर विकास किसका में हमें कोई खास वर्ग, खास जो है वो क्षेत्र हमें दिखाई पड़ता है या खास लोग दिखाई पड़ते हैं तो वास्तव में विकास की धारणा नहीं है। विकास की धारणा में जब आंसर हमें मिले विकास सबका, विकास उच्चतम, तो विकास जो है वो अपना मायने रखता है। अंदाजा लगाइए कि आपने एक सड़क को डेवलप कर दिया, ठीक है, आपने एक बढ़िया चमकती हुई सड़क बना दी और आपने कहा देखिए हमने जो है वो सड़कों का डेवलपमेंट कर दिया, कितना खूबसूरत विकास हमने काम किया है। लेकिन अब आपने देखा कि उसमें कोई दिव्यांग जन है, उसको चलने के लिए कोई व्हीलचेयर, उसके चलाने के लिए कोई जगह नहीं, उसमें साए साए करती हुई गाड़ियां जा रही हैं, बहुत तेजी से चल रही हैं। तो सवाल है कि आपने जो सड़क बनाई है वो अपने राष्ट्र के सबल लोग, अमीर लोगों के लिए बनाई है, उस पर जो है साइकिल वाला चल सकता है, मोटरसाइकिल वाला चल सकता है, कार वाला चल सकता है, लेकिन व्हीलचेयर लिए हुए एक व्यक्ति क्यों नहीं चल सकता, सवाल यह है, या पैदल यात्री क्यों नहीं चल सकता। आपने ऐसी हजारों सड़कें अपने जीवन काल में देखी होंगी हमारे हिंदुस्तान में। तो सवाल है कि जब हमने विकास की अवधारणा रखी, आपने कहा कि हमने एक सड़क बना दी, लेकिन सवाल है क्या वो सड़क सभी के इस्तेमाल करने योग्य है, क्या वो सभी लोगों को उतने ही संसाधन, उतने ही समानता मुहैया करा पाएगी। तो अगर वो प्रश्न ये निकल कर आता है विकास किसका, और विकास किसका में अगर ताकतवर वर्ग, सबल वर्ग या एक खास वर्ग प्रभावित हो रहा है, उसको लाभान्वित हो रहा है, तो इसका मतलब ये विकास की अवधारणा से परे है। जब भी हम विकास के मानक स्थापित करें तो ना वो लिंग आधारित हो, ना वो जाति आधारित हो, ना वो क्षेत्र आधारित हो, ना वो आय आधारित हो, वो सभी के लिए होती हैं और सुविधाएं सभी के लिए मिलनी चाहिए, क्योंकि यही सारी चीजें जब विकास के माध्यम से सभी तक मिलती हैं तो उनके जीवन स्तर में बहुत जबरदस्त उछाल आता है, वो निकलकर सामने आते हैं। और जब उनकी मूलभूत सुविधाएं निश्चित होती हैं तो राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को राष्ट्र से जुड़ा हुआ पाता है और अपनी समस्त ऊर्जा को, अपनी ज्यादातर ऊर्जा को वो राष्ट्र के विकास में झोंक देता है। और जब लोग अपनी भावनाओं, अपने संसाधनों और अपनी ऊर्जा के माध्यम से राष्ट्र के विकास की तरफ चल पड़ते हैं तो राष्ट्र बहुत तेजी से प्रगति करता है और विश्व में हमें जाने कैसे उदाहरण मिले हुए हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, जो इस योजना का कोर फैक्टर है, वो यह है कि जब हम विकास की अवधारणा को स्थापित करें तो विकास की अवधारणा में यह प्रश्न जरूर पूछें कि विकास किसका, क्या यह सार्वभौमिक है, क्या यह सभी को मिल रहा है, क्या विकास के जो मानक हैं वो सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं या नहीं। यहां पर आपको एक दृष्टि मिलती है, मैं आपको पढ़ने की वो दृष्टि दे रहा हूं जो हो सकता है कि इस किताब में आपको शुरुआत दौर में ना मिले, लेकिन अगर इस दृष्टिकोण के साथ आप योजना को पढ़ना शुरू करते हैं तो योजना वाकई में आपके इस ये जो विकास है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। ये जीएस पेपर 1, 2 और 3 तीनों में आपको बहुत मदद करेगी और एथिक्स में भी काफी हेल्प करेगी। अब आते हैं संपादकीय पढ़ने के बाद करारोपण प्रस्ताव की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल है ये, करारोपण प्रस्ताव के नाम से आर्टिकल है। बेसिकली भारत एक नॉन टैक्स कंप्लायंस कंट्री रहा है, मतलब यहां ज्यादातर लोग हैं, पैसा कमाते हैं लेकिन वो सरकार को कर नहीं देते हैं। कर यानी राजस्व जो है, जो टैक्स है, वो सरकार के राजस्व का स्रोत होता है। सरकार को जो पैसा प्राप्त होता है उसको वो खर्च करती है।
अब दो तरह की दिक्कतें हैं, एक तो ज्यादातर लोग कर नहीं देते और वो कर के जाल में नहीं है, अतः सरकार को अपना राजस्व पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा करों का बोझ लोगों के ऊपर डालना पड़ता है, यानी जो लोग ईमानदारी से कर दे रहे हैं, जो कर के जाल में हैं, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो बहुत प्रभावित होते हैं, उनकी आय बहुत प्रभावित होती है, और वो लोग जो कर के जाल से बचे हुए हैं, भाग रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी प्रस्ताव जो है उनके ऊपर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। इसके में दोनों तरफ से नुकसान होता है, सरकार को भी और लोगों को भी। अतः यहां पर क्या करना पड़ेगा, सरकार को अपने टैक्स जाल को बढ़ाना पड़ेगा। इस आर्टिकल में बताया गया है कि सरकार ने इस बार जो जीएसटी लागू किया था या सरकार के जो कर सुधारों के प्रयास हुए थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जो सरकार के बढ़े, उसके हिसाब से सरकार ने इस बार बजट में, अंतरिम बजट में जो है वो छूट दी है, और इसके माध्यम से सरकार जो है एक अपना आवंटन कर रही है, और इसमें जो सरकार को एक्स्ट्रा आय हो रही है उसमें आपने देखा कि 5 लाख तक की आय में कोई भी आपको कर नहीं देना है और लगभग एक समान दिया है, तो इससे लोगों को बेनिफिट हो रहा है, इससे लोगों को फायदा हो रहा है, उनकी क्रय शक्ति क्षमता बढ़ रही है, वो अपने बचे हुए पैसे को मार्केट में जाकर खर्च करेंगे और मार्केट में जो है वो मांग पैदा करेंगे, इस मांग को जो है पूर्ति करने के लिए जो है उत्पादक निकलकर बाजार में आएंगे और निवेश साइकिल जो है वो चलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी माना जा रहा है कि हमें बहुत अधिक सुधार करने हैं, भारत में जो करों का आधार है जब वो बढ़ाया जाएगा तभी करों की दर कम कर पाएंगे और हम एक नॉन टैक्स कंप्लायंस कंट्री से टैक्स कंप्लायंस कंट्री की तरफ बढ़ पाएंगे, लेकिन हमें इसके लिए बहुत बड़े प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक सुधार करने होंगे। हमें लोगों को बताना होगा कि कर की प्रक्रिया आपको लाभ पहुंचाती है, हमें राजनीतिक परिदृश्य पर यह देखना होगा कि कर प्राप्त करने के बाद जो क्विड प्रो क्यो पे आप कर तो ले लेते हैं लेकिन लोगों को सुविधाएं नहीं देते, तो इस तरह के हमें बहुत बड़े सुधार करने पड़ेंगे, और साथ ही साथ हमें नियमावलियों को इतना सरल करना पड़ेगा कि हर व्यक्ति जो है वो अपने आप को सरकार और उसकी प्रणालियों के समकक्ष पाए और आसानी से अपना टैक्स भर सके। हमें इसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी, चाहे वो ई टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी, ये सब लेकर आनी पड़ेगी। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 4 तक एक बहुत बड़ा डायमेंशन करता है, और वो है समावेशी विकास। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, समावेशी वित्तीय विकास के नाम से है। इस बीच में जो टॉपिक है आप उसको स्किप कर सकते हैं, जैसे अंतरिम बजट और ये सारे टॉपिक हैं, ये आप छोटा बहुत डाटा आप कहीं से भी ले सकते हैं, तो उसको बहुत ज्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। समावेशी वित्तीय विकास का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली समावेशन किसी भी राष्ट्र की, समावेशन का मतलब होता है वो जो बहिष्कृत हो चुके हैं उनको मुख्य धारा में लेकर आना, यानी परिवर्तन के बिंदुओं के ज्यादा से ज्यादा उनको पास लेकर आना। समावेशी वित्तीय विकास एक्चुअली समावेशन 3 चरणों में होता है जहां तक मैं समझ पाता हूं। एक आपका होता है सामाजिक समावेशन, जो किसी भी राष्ट्र राज्य के लिए एक बहुत हमारा एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, हम यहां पहुंचना चाहते हैं। दूसरा होता है सामाजिक समावेशन को प्राप्त करने के लिए वित्तीय समावेशन, राइट, यानी कि वित्तीय रूप से अगर वो सबल होंगे, जब आप अपने संसाधनों को परचेस कर पाएंगे तभी आप इसके साथ जोड़ पाएंगे, तो वित्तीय विकास हो गया। और अब आज के समय में मुझे लगता है कि अगर वित्तीय समावेशन आपको प्राप्त करना है तो आपको डिजिटल समावेशन होना ही चाहिए, जहां पर डिजिटल एक ऐसा वर्ड, एक ऐसी दुनिया होती है जहां लाभ देने वाला यानी सरकार और लाभ प्राप्त करने वाला, जो बीपीएल है या जो जिसको सहायता चाहिए, वो दोनों आपस में मिल सकते हैं, राइट। तो समावेशन के 3 बिंदु होते हैं, सामाजिक समावेशन, वित्तीय समावेशन और तीसरा होता है डिजिटल समावेशन। तो ये वित्तीय समावेशन यानी बैंकिंग तंत्र, लोगों तक जो है वो बैंकों की पहुंच, सूक्ष्म वित्त की पहुंच, लोगों के निवेश साइकिल को बढ़ावा देना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे भारत में माना जाता है कि 40% लोग जो अभी गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं उसमें एक बहुत ताकतवर ग्रुप ऐसा है, अगर उनको सही समय पर सूक्ष्म वित्त और सूक्ष्म सेवाएं मिलनी शुरू हो जाए तो वो स्वयं ही गरीबी रेखा से बाहर आ सकते हैं, वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। एक महिला जिसको आम का अचार बनाने आता है, अच्छा, अगर उसको थोड़ा सा पैसा निवेश के लिए मिल जाए तो शायद वो आम का अचार बनाकर अपना जो है वो जीविकोपार्जन कर सकती है, लेकिन जब वो लोन लेने जाती है, जब ये अपनी वित्तीय सहायता मांगती है, इतना लंबा प्रोसीजर होता है कि आम पक जाते हैं और अचार उसका सपना उसका धरा रह जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें सूक्ष्म सेवाएं और सूक्ष्म वित्त प्रोड्यूस कराना पड़ेगा, और भारत के बहुत से गरीब, भारत के बहुत से बीपीएल लोग जो सम्मान से जीना चाहते हैं, बिना किसी सब्सिडी के जीना चाहते हैं, वो तेजी से निवेश साइकिल में प्रवेश करेंगे और न सिर्फ वो अपनी आय जनरेट करेंगे, वो रोजगार उत्पन्न करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सो इस नजरिए से आपको इसको पढ़ना है, क्लियर है। अगला देखते हैं, सुशासन के जरिए समावेशी विकास। तो बेसिकली ये डिजिटल इनोवेशन का हिस्सा है। शासन और सुशासन के बीच में जो सबसे बड़ा अंतर होता है, शासन एक भौतिक जगत में होता है जहां हायरार्की होती है, ये केंद्र रहा, ये राज्य रहा, ये राज्य के बाद जिला रहा, जिला के बाद ग्राम सभा रही, तो इसमें एक हायरार्की तय की जाती है। लेकिन जो डिजिटल वर्ल्ड होता है, जब डिजिटल समावेशन होता है, तो ये हायरार्की हट जाती है, केंद्र सीधे उस आकांक्षी व्यक्ति या उस जरूरतमंद तक सीधे पहुंच सकता है, राज्य सीधे पहुंच सकता है, उसको किसी मैकेनिज्म में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम वहां पर जो है जनधन अकाउंट, जैसे जैम ट्रिनिटी हो गया, जनधन, आधार और मोबाइल, इसके माध्यम
से लाभ देने वाला और लाभ लेने वाला दोनों मिल सकते हैं। इसको हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी नगद जो है वो हस्तांतरण के रूप में जानते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये जो है सुशासन की व्यवस्थाएं आ जाएंगी। न्यायिक प्रक्रिया बहुत अच्छी होनी चाहिए, न्याय भी पारदर्शी होना चाहिए, और अगर ई कोर्ट की अवस्था आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, जहां न्याय पाने वाले और न्याय देने वाले दोनों आपस में लिंक कर सके और ढेर सारा जो मीडिएटर है वहां से हट सके। इसी तरह ई पुलिसिंग, ई कोर्ट, ये जो व्यवस्थाएं हैं वो भारत को एक नए मुकाम तक पहुंचा सकती हैं और सुशासन की व्यवस्था दी जा सकती है। मुझे कोई सेवा चाहिए तो मुझे किसी व्यक्ति को जो घूस देने की आवश्यकता क्यों है? सेवा प्राप्त करना नागरिक होने नाते मेरा हक है, लेकिन अगर कोई मानव है इसमें हस्तक्षेप कर रहा है तो मुझे ये नहीं पता उसकी शिकायत कहां करनी है। लेकिन अगर वही चीज डिजिटल हो जाए, मैं घर बैठे अपने कंप्यूटर के माध्यम से उन सेवाओं को प्राप्त कर सकूं, इससे खूबसूरत बात क्या होगी, राइट? तो ये होगा हमारा सुशासन। आपको ये टॉपिक कवर करने और आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे कवर करना है। इसके बाद किसी भी राष्ट्र के लिए जो अगला टॉपिक है, स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता। जैसे मैंने लास्ट जो वीक है मैंने यही टॉपिक पूरा कंप्रिहेंसिव कवर कराया करंट अफेयर्स की क्लासेस में, स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता। स्वास्थ्य जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ होता है। स्वास्थ्य उस राष्ट्र की पॉलिटिक्स, उस राष्ट्र की आर्थिक क्षमताएं, उस राष्ट्र की सामाजिक सोच, इन सब पे डिपेंड करती है। एक राष्ट्र जहां पर खुले में शौच एक प्रथा की तरह इस्तेमाल की जा रही है, वहां स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो इसके मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होते हैं, इसीलिए स्वास्थ्य जो होता है किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार होता है। तो यहां पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, इसके साथ साथ जो बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य में हमारी चुनौतियां क्या है, बजट नहीं है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं है, अच्छी अवसंरचनाएं नहीं है, ये चुनौतियां और इनसे कैसे हम निपट सकते हैं। और इसमें प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आयुष्मान भारत बहुत इंपॉर्टेंट है, और धीरे धीरे भारत एक ऐसे मुकाम की तरफ पहुंच सकता है जहां यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, जहां पर स्वास्थ्य आपका अधिकार होगा। मनरेगा में आप काम का अधिकार पा चुके हैं, RTI में आप सूचना का अधिकार पा चुके, वैसे अब भारत के नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार होना चाहिए। सो ये जो है हम उस तरफ कदम बढ़ा सकते हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ करके सुनिश्चित करके हम अपने राष्ट्र के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं। एक स्वस्थ राष्ट्र भारत के लिए और भी आवश्यक है। भारत के पास जनांकीय लाभांश है, भारत के पास युवा आबादी है, लेकिन अगर वो स्वस्थ होगी, वो कार्यशील होगी, तभी हम इस जनांकीय लाभांश का फायदा उठा पाएंगे। हम जो है पूरी दुनिया के सामने कार्यशील शक्ति के रूप में पैदा हो पाएंगे और दुनिया भर का निवेश हम अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है, एक बहुत ही कंप्रिहेंसिव सोच है जिसको आपको अपडेट करना है, ठीक है? अगला है सामाजिक समावेशन से समानता की सुनिश्चितता। मैंने आपको बताया था कि समावेशन तीन प्रकार के होते हैं, जहां पर हम लोगों ने वित्तीय समावेशन देखा और इसके बाद डिजिटल समावेशन हमने देखा, और जो सबसे बड़ा गोल होता है वो होता है सामाजिक समावेशन, अंतिम जो गोल होता है, और ये कोई भी राष्ट्र यहां पहुंचना चाहता है, यानी सभी लोग समान हो, ना तो वहां कोई लैंगिक भेदभाव हो, ना वहां कोई आय का भेदभाव हो, ना कोई वहां भाषा, ना क्षेत्र, ना संस्कृति, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, यानी कि राष्ट्र के संसाधनों पर सभी लोग बराबर अपना हक जता सकें और अपने जीवन को आगे लेकर जा सकें। यह होता है सामाजिक समावेशन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यानी सोशल इंक्लूजन हम लोग जिसको बोलते हैं, वो इसका हिस्सा है। GS पेपर 1 का कोर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और राष्ट्र की पॉलिटिक्स, उसका जो है ज्योग्राफी, उसके खनिज संसाधन, उसकी इकोनॉमी, ये सभी मिलकर इस सामाजिक समावेशन को सुनिश्चित करते हैं। याद रखिएगा, अगर किसी राष्ट्र में असमानता है, असमानता असंतोष को जन्म देती है और असंतोष विद्रोह को जन्म देता है, और हमारे देश में जहां जहां आप कॉन्फ्लिक्ट देख रहे होंगे उसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण है। आपको किसी भी क्षेत्र की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने की बजाय इस नजरिए से उसको सोचना शुरू करिए तो आपको बहुत अच्छे जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे, राइट? जहां पर भी उपद्रव है, जहां पर भी हिंसा हो रही है इस समय, जहां पर भी इंटॉलरेंस है, वहां आप देखेंगे कि वहां की सामाजिक, वित्तीय और डिजिटल, ये तीनों समावेशन वहां पर डिस्टर्ब है, राइट? चलिए आगे देखते हैं। किसी भी, अब यहां पर इसी का ही एक पार्ट है, हमारे समाज में जो दो विभाजन है सबसे बड़े, पुरुष और महिला, तो अगर हमें समावेशन सुनिश्चित करना है तो सबसे पहले लैंगिक समानता हमें लेकर आनी पड़ेगी, महिलाओं का सशक्तिकरण करना पड़ेगा। हमारे समाज में या किसी भी तरीके से अगर हम जो है वो इतिहास की तरफ से हम देखें तो कुछ ना कुछ ऐसे कारण रहे हैं जहां महिलाओं को उतना समावेशन नहीं मिल पाया, न शिक्षा में, न स्वास्थ्य में, न कार्यशील जनसंख्या में उनको उतनी भागीदारी नहीं मिल पाई। लेकिन अब हमें माना जा रहा है कि अगर हमें सबसे पहले सामाजिक समावेशन स्थापित करना है तो सबसे पहले पुरुष और महिला के बीच में जो अंतर है वो हमें दूर करना है, यानी सशक्त महिला, सशक्त समाज, इस टॉपिक को आपको अपडेट करना है, जहां लैंगिक समानता हमारी सबसे अपरिहार्य शर्त है। हमारे GDP में हमारी जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें महिलाओं का बहुत अधिक योगदान नहीं हो पा रहा है, वो तमाम फ्री वर्क्स कर रही हैं, घरों में काम कर रही है, लेकिन उनकी वैल्यू नहीं की जा रही है। तो उनको मुख्य धारा में लाना सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है। अगला है जिसको आपको अपडेट करना है, बच्चों का समग्र विकास।
भारत एक युवा आबादी की तरफ बढ़ता हुआ देश है, तो इसमें आपको प्रोग्राम एंड पॉलिसी जो सरकार की है उसको केवल अपडेट करना है, बहुत सारे डाटा को इसमें अपडेट नहीं करना। और भारत में बुजुर्ग, जैसे जैसे हमारी आबादी माना जा रहा है भारत में आने वाले समय में बहुत बड़ी बुजुर्गों की संख्या होगी, हालांकि अभी हमारा आश्रितता अनुपात बहुत बिगड़ा नहीं है, अभी भारत में बहुत ज़्यादा जो है बुजुर्गों की संख्या नहीं है, लेकिन इनकी सुरक्षा, इनकी जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं वो सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो यहाँ पर भी जो सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएँ हैं और सरकार के जो ध्येय हैं केवल उतना ही आपको अपडेट करना है। तो दोस्तों ये योजना पढ़ने का एक तात्पर्य है, जहां पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री तीनों में आपको एक बहुत समुचित पकड़ मिलेगी, एक बहुत अच्छा टॉपिक मिलेगा और इसको क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, इस रूप में इसको आप जो है अपडेट करना शुरू कर दीजिए। इनकी प्रक्रिया, इनके कारण, इनका महत्व ये जरूर लिखिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो योजना है इसको आप मिस नहीं करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको यहां से मेंस का, इंटरव्यू का, एसए का बहुत अच्छा टॉपिक मिलेगा, आप इसको अपडेट करिए। बाकी इसके बाद जो टॉपिक है आप उसको स्किप कर सकते हैं, उसमें आपको समय लगाने की आवश्यकता नहीं, और मेरा ये प्रयास है कि आप हर मूवमेंट पर टू द पॉइंट रहें, आप हर मूवमेंट पे जो है वो आगे चलें। दोस्तों आप लोग के इसी प्यार की वजह से जो आपका हमारे से जुड़ाव रहा है और जो हमारा आपके प्रति एक समर्पण रहा है, हमने तमाम ऑनलाइन कोर्सेज में जबरदस्त होली डिस्काउंट रखा है। कई बच्चे लगातार कह रहे थे कि सर हम इतनी फीस नहीं दे पा रहे हैं, तो हमने कक्षा कार्यक्रमों के लिए उनके स्कॉलरशिप निकाला, उसमें कई बच्चों को लाभ प्राप्त हुआ, लेकिन अब ऑनलाइन के बच्चों के लिए हमने जो है वो जबरदस्त डिस्काउंट रखा है सभी कोर्सेज के लिए, फाउंडेशन कोर्सेज, कॉन्सेप्टर कोर्सेज, और सबसे खूबसूरत बात है जो इतिहास का एक जबरदस्त कोर्स है वो हमने बहुत ही कम दाम पे आप लोगों को प्रोवाइड कराया है। ज्योग्राफी ऑप्शन की फीस में काफी जबरदस्त सुधार किया है और हिस्ट्री ऑप्शन की फीस में जबरदस्त सुधार किया है। जुड़े रहिए, पढ़ाई करिए, सशक्त बने रहिए, आपका प्यार हमें जितना मिलता जाएगा हम वो आपको एक आपके लाभ के रूप में उसको वापस करते रहेंगे, यही हमारा ध्येय है, यही ताकत है। ज्ञान एक मशाल की तरह है, इसको लेकर आगे बढ़िए, ऊर्जावान बने रहिए और किसी भी मोड़ पर थकिए नहीं, आगे बढ़ते रहिए, आप खुद एक दिन पहुंचेंगे और समझेंगे कि सफलता मेरे लिए एक सतत यात्रा थी और मैं उसको पा गया। और आपको तो बहुत दूर तक जाना है, न सिर्फ आईएएस बनना है, देश का बेहतरीन प्रशासनिक अधिकारी बनना है, जबकि मैं आपके बारे में जब पढ़ूं, देखूं, जानूं तो मेरा सीना फक्र से चौड़ा हो जाए, हां ये मेरा स्टूडेंट है जो नए भारत के निर्माण में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और अपने ज्ञान, अपनी क्षमता से इस देश की तस्वीर बदल रहा है। जुटे रहिए दोस्तों, और आपको मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं, आपको यह करना है। धन्यवाद।